नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार यादव आज बहुत ही सुंदर वीडियो आपके बीच लाया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल पे ना लें, बस इस वीडियो को हम एज ए एंटरटेनमेंट बनाए हैं, आपके मनोरंजन के लिए बनाए हैं। मैं कोई जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है मुझे, बस मैं इस वीडियो को बनाने का खास उद्देश्य है ओनली वन एंटरटेनमेंट। चलो देखते हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक, वी कंटिन्यू। और दुई सवारी पर मोटरसाइकिल है और तीन सवारी कर लेते हैं तो चलान क्यों होती है? सरकार बनने के बाद तीन सवारी फ्री काय चचा, तीन सवारी, अभी दो सवारी जगह तीन सवारी फ्री कर दिए, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना भी फ्री कर देंगे का? ये गलत है चचा, अनाप शनाप का है बोलते हैं। इस तरह तो सरकार बनने से पहले ही सरकार की लुटिया डूब जाएगी, और आप अगर अच्छा काम किए है ना चचा, तो आपकी सरकार बनेगी और जरूर बनेगी, भले नीचे से क्यों ना बने, लेकिन आपकी ही सरकार बनेगी। और जहाँ तक हमको लगता है, जिस तरह से आप बयान देते हैं कि दो सवारी की जगह तीन सवारी फ्री कर देंगे, हमारे सरकार आने दो, तो आपकी सरकार बनेगी लेकिन नीचे से ही बनेगी। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश को फ्री देंगे। पता नहीं क्यों इलेक्शन आने के बाद सब लोग सब कुछ फ्री कर देते हैं। ये चचा कहा इस तरह से बोल रहे हैं, मुलायम चचा भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री, अगर सब कुछ फ्री देते तो काहे उनका बदलाव होता? भैया भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो भी रह चुके हैं सत्ता में, अगर ये सब चीज़ सब पहले सब जब सत्ता में थे तभी फ्री देते तो उनका बदलाव नहीं होता, उनकी लुटिया नहीं डूबती चचा। आपका अपनी नैया तो संभाल ही नहीं जा रही, दूसरी की नैया को हाथ में पकड़ रहे हैं, दूसरी के नैया के बारे में बोल रहे हैं, उसकी नैया डूबेगी इसकी नैया पार होगी। चचा पहले अपनी नैया तो संभाल लीजिए, आपकी नैया तो हम ज्यादा डूबते हुए नजर आ रहा है। और जो है ना, बोलते हैं कि हम ये देंगे, अब सब सत्ता में रहते हैं तब दीजिए, जब हारने के बाद मत कहिए कि हम ये देंगे जनता को, ये देंगे हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, जीना फ्री देंगे, सुइया फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, फलाना फ्री देंगे, ढंग ढिमका फ्री देंगे। अरे सत्ता में रहते हैं तक ना फ्री में दीजिए ना, आपको जनता हराएगी ही नहीं। हारने के बाद कहा बोलते हैं हम ये फ्री देंगे। अब सत्ता में जब रहते हैं ना तब फ्री दीजिए, जनता आपको कभी हारने नहीं देगी। तो आप ये सब मत बोलिए हारने के बाद, जीतने के बाद फिर अब आपका वही रंग हो जाता है, वही रूप हो जाता है, और उसी तरह से फिर से सरकार चलाना शुरू कर देते हैं, जातिवाद करना शुरू कर देते हैं और परिवारवाद शुरू कर देते हैं। तो जब तक सत्ता में रहते हैं निस्वार्थ भावना से काम कीजिए, और बस आपकी मौज है, निस्वार्थ भावना से काम कीजिएगा तो मौज लीजिए, सत्ता में रहिए, बाप बने मुख्यमंत्री, बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, आपका पोता बनेगा मुख्यमंत्री, आने वाली सात पीढ़ी मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन वैसे कीजिएगा सत्ता आने के बाद अपना ही पेट भरिएगा तो खाक मुख्यमंत्री बनिएगा, वैसे ही चल जाइएगा ना। तो जब सत्ता में रहते हैं तब काम कीजिए, आपको सर जनता कभी हारने नहीं देगी। हारने के बाद मत कहिए कि हम ये मुख्यमंत्री बनते ही पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, फलना फ्री करेंगे, ढिमका फ्री करेंगे, जब सत्ता में रहते हैं तब ये काम कीजिए, बुझे चचा? हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को दे कौन रहा है, लठ लेकर के वहाँ किसान खड़ा हुआ है चाचा, हमको ये समझ में नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी को कोई वोटे नहीं देता है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जीत कैसे जाता है? दो बार से जीत गया और हम इतना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी यूपी में आ रहा है, उसके पहले ही वीडियो अपलोड कर दिए हम, किसी और जीत रहे हैं, झारखंड से हैं हम चाचा, फिर भी हमको अनुमान हो गया कि बाबा योगी आदित्यनाथ यूपी में अपना सरकार बना लिए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है जनता के पास, क्योंकि वो वैसा काम किए हैं और वैसा काम किए इसलिए हम यहाँ से रह के ये अंदाज़ा लगा लिए कि वो जीत रहे हैं। और इसके लिए इसके पहले जितने से पहले हम वीडियो अपलोड भी कर दिए और वीडियो बना भी दिए। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है जनता के प्रति काम करना, ये होता है जनता का कॉन्फिडेंस और जनता के प्रति नेताओं का कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो 5 साल काम किए इसीलिए जनता भी फुल कॉन्फिडेंस है कि बाबा योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी में आ रहे हैं। बोलने से कुछ नहीं होता चाचा, पूर्वांचल में चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का, जिसको चुनाव जीतना होता है वो जाके मुख्तार अंसारी का माथा टेकता है। ए चाचा, ये मुख्तार अंसारी की है चाचा,
ये चचा काहे अपने जैसे सबको समझते हैं, ये मुख्तारा सारी कौन है वो चचा, काहे अपने जैसे सबको समझते हैं, आप तो बिन पेंदी के लौटा है, कभी इधर उलट गए कभी इधर उलट गए कभी उधर उलट गए कभी इधर उलट गए, आपका उलटने का तो जनता को समझ ही नहीं आता है कब किधर अपलट जाएंगे सो। और कहा ऐसा बोलते हैं कि मुख्तार अंसारी के पास सपा बसपा ये फलना ढंग का उसके सामने माथा टेकता है, हम तो किसी को नहीं देखे बीजेपी वाले को कि उसके सामने माथा टेका, हम ये भी नहीं जानते कि मुख्तार अंसारी की है चचा। अरे आप लगता है उसका सबसे बड़ा चमचा आप ही हैं, आप ही माथा टेकते होंगे, आप ही उसका पिछवाड़ा धोते होंगे, इसलिए ज्यादा उसका गुणगान कर रहे हैं आप, इतना गुलामी काहे करते हो चचा, जनता वोट आपको देकर जिताती है। कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करूंगा, विदाई विदाई करते करते खुद की विदाई हो गई चचा, फिर भी सबक नहीं मिला आपको, पिछले बार विदाई हुई इस बार विदाई हो गई, फिर भी आप विदाई 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 का बीजेपी बहू है घर से ब्याह के विदाई करवा रहे हो चचा, बाबा जी का राजा ये जम गया है, सीएम रहे पीएम भी यही रहेंगे तो आप भूल जाइए चचा कि बीजेपी का विदाई भी होगा, वो भी आपसे चचा, कभी 18 महीने के अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये चचर गुरु को यार, अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े नहीं, आपको निकाल दिया गया, कहा ना सच्चाई बोलते हो लोगों को, कहा झुठला रहे, आपको निकाल दिया गया है, आपको मंत्रिमंडल चाहिए था नहीं मिला, रूस गए कोई मनाने के लिए आपके पास गया नहीं, झूठ मत बोलो, आपको निकाल दिया गया था, अरे आप भी निकल उठाए, डन मना गया इधर, पहले इधर ढन मनाए थे उसके बाद आपको नहीं मनाए तो इधर ढन मना गए, आपका ढन मना का काम है और ढन मनाते रह जाओगे, बुढ़ा आ गए आप नेतागिरी करते करते, लेकिन एक अच्छी पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाए हो आप।